ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी जो न्यूज़ सामने निकल कर आई है, जिसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड ने फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, तो आइए हम समझते हैं कि ये जो फैसला जो पुनर दायर की गई याचिका है मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से, इसका फैसला क्या हो सकता है, क्या कहती है ज्योतिषीय गणना। और साथ में अगर आप लोगों को पता होगा तो इस समय ना ही मुस्लिम समाज 5 एकड़ की भूमि को रखने या ना रखने के पक्ष में 2 अलग अलग मत हैं। उसी तरीके से ट्रस्ट को लेकर हिंदुओं के लिए भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, किसको ट्रस्ट का हिस्से में रखना चाहिए, किसको ट्रस्ट के हिस्से में नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। तो अभी जो मैं बात करूंगा, जो एक पिटीशन फाइल की गई है वो पुनर्याचिका के लिए, तो उसमें अभी जो टाइम और डेट ऑफ जो आप ये कह सकते हैं जिस समय इसको दायर किया गया है, इस समय गोचरीय व्यवस्था जो है उसमें गुरु धनु में है, शनि और केतु विस्फोटक योग ऑलरेडी धनु में ही बनाए हैं, और जैसे ही गुरु धनु में गए हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे ही गुरु धनु में जाएंगे वैसे ही एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगा राम लला को लेके, और राम मंदिर का निर्णय आएगा जिसमें फैसला हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा, और ऐसा ही हुआ। और मुस्लिमों के साथ भी अन्याय नहीं किया गया, उनको भी 5 एकड़ की जमीन दी गई जो कि दूसरे स्थान पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। लेकिन इसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई है इसमें मैं अभी ये देख पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। देखिए, गुरु जो है शनि और केतु के साथ विराजमान है, शनि और केतु वैसे ही विस्फोटक योग बनाए हुए हैं, और जब से ये त्रिकोणीय योग बना हुआ है ना ही राजनीति में लोग एक डिसीजन पे आ पा रहे हैं, और ना ही कुछ ये मुस्लिम लॉ पर्सनल जो हैं यानी मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य जो हैं इस याचिका को मानने के लिए तैयार नहीं है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया है। तो जब तक शनि केतु एक साथ रहेंगे गुरु के साथ, तो गुरु तो अपनी राशि में पहुंच गए, गुरु का घर था जहां पर शनि और केतु ने परेशान करके रखा हुआ था, विस्फोटक योग बना कर रखा हुआ था, और जैसे ही गुरु वहां पर आए हैं तो जब गुरु का नेचर होता है, जब अपने घर में आते हैं तो तत्काल एक अच्छा फल देते हैं, और ये जब जाते हैं तो तत्काल अच्छा फल देते हैं, बीच में कांस्टेंट इनका फल बना रहता है, लेकिन डिग्री वाइज कैपेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है, धीरे धीरे शुभता में बढ़ोतरी होती है। लेकिन शनि के साथ जब भी केतु की युति होगी, आप ऐसे समझिए कि कहीं पर विस्फोट हो रहा है और आप भी वहां पे पहुंच जाइए तो आपका भी नुकसान होगा। ठीक यही चीज़ यहां पर भी एप्लीकेबल है, और इसकी जितनी भी बातें जो वकील लोग रख रहे हैं मुस्लिम लॉ बोर्ड के, कि जहाँ पर विवादित भूमि कही गई थी पहले, उसके नीचे कहीं पर भी राम जन्मभूमि का कोई भी अंश नहीं पाया गया है, तो ये बात साबित नहीं हुई, तो कैसे हम वहाँ से हट सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप न्यूज़ चैनल पर देख चुके होंगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो 24 जनवरी तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिख रही है। उसका लॉजिक क्या है, गुरु शनि अलग हो जाएंगे, और जब शनि गुरु से अलग होंगे और शनि केतु से अलग हो जाएंगे तो विस्फोटक योग खत्म हो जाएगा, और गुरु का गुरु की राशि में केतु के साथ और शनि का शनि की राशि में अकेले स्वगृही होना, ये वो समय होगा जिसमें इन समस्याओं का पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। और ये पक्ष अभी भी
इनकी जितनी भी बातें हैं उनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी और पुनः एक बार दोबारा ये याचिका खारिज होने वाली है, ये मेरी भविष्यवाणी है, इसको नोट कर लीजिए। और जब पुनः इसका अध्यादेश, जब ये पुनः इसका फैसला आएगा, उस दिन मैं पुनः लाइव होकर इसकी विवेचना करूँगा। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ये निर्णय पुनः इनके मुस्लिम लॉ बोर्ड के फेवर में नहीं आएगा और 5 एकड़ की जो ज़मीन दी गई है उस पर जल्दी से जल्द मस्जिद बनाना और ट्रस्ट, जो हिंदू रामलला के लिए जो हिंदुओं की राम जन्मभूमि मिली है उस पर भी ट्रस्ट जल्दी ही एकमत हो जाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो मैं डेट देख रहा हूँ वो 26 जनवरी से 26 दिसंबर 2019 से 24 जनवरी 2020 तक का टाइम देख रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।